नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मंडी में बसपा ने भरी चुनावी हुंकार, कहा हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन। आरक्षण पर बोली बहन जी, कहा आर्थिक आरक्षण पर केंद्र को कई बार लिखी चिट्ठी लेकिन नहीं आया कोई जवाब। पार्टी के बड़े नेता उतरे चुनाव प्रचार में, हिमाचल भाजपा प्रभारी कलराज मिश्र ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करके मांगे वोट। और शुरू हुआ रोमांच से भरा पैराग्लाइडिंग का खेल, देश और विदेश से आए 80 पैराग्लाइडर ले रहे हैं भाग। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में अब तक राज करने वाले राजनीतिक दलों की नीयत साफ नहीं थी, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश का उस तरह से विकास हो नहीं पाया जिस तरह से होना चाहिए था। यह बात बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। शुक्रवार को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट मांगने पहुंची बसपा सुप्रीमो एवं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने यूपी में उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह का शासन और प्रशासन यूपी में उपलब्ध करवाया गया था, उसी तरह से हिमाचल में भी सरकार चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से मैदान में उतारे गए प्रत्याशी साफ और स्वच्छ भी के हैं, जो एक साफ सुथरी सरकार बनाएंगे। मायावती ने कहा कि सत्ता में आने पर सभी स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुझे ये मालूम है कि आपके हिमाचल प्रदेश में आज सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों के रोजगार की है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन आपके हिमाचल प्रदेश में जिन भी पार्टियों की सरकारें रही हैं, तो उन सरकारों ने तो सत्ता में आने के बाद ना तो आप लोगों की गरीबी लूटी है और ना ही कोई ऐसा बंदोबस्त किया है कि जिससे आप लोग खुशहाल बन सके। मायावती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे और साथ ही गरीबी को भी दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका सही ढंग से दोहन नहीं किया गया है। उन्होंने राज्य की सत्ता पर राज कर चुके दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में सही ढंग से विकास हो ही नहीं पाया है। यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है, तो उनका सही इस्तेमाल नहीं हो सका है। यदि उनका सही इस्तेमाल होता तो आपके हिमाचल प्रदेश में तो प्राकृतिक संसाधनों से काफी ऐसी चीजें बनती है, वस्तुएं बनती है, तो जिनको बनाने के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर कारखाने लगते, फैक्ट्रियां लगती, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर रोजगार के साधन मिलते। लेकिन इस ओर ना तो कांग्रेस पार्टी ने ध्यान दिया है और ना ही बीजेपी ने अपने शासन काल के दौरान ध्यान दिया है। मायावती ने कहा कि विरोधी पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं, जिनसे मतदाताओं को बचना होगा। उन्होंने उपस्थित मतदाताओं से आह्वान किया कि वे चुनावों के दौरान दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। और इसके साथ ही ये पार्टियां वोटों की गिनती में भी बाधा उत्पन्न कर सकती है, तो इन सब मामलों में आप लोगों को काफी ज्यादा सावधान रहना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों में दिए गए किसी भी लुभावने वायदे के बहकावे में भी नहीं आना है। अर्थात आप लोगों को अपनी पार्टी द्वारा जारी की गई चुनावी अपील पर ही केवल अमल करना है, जिनमें से कुछ खास बातों का आज मैंने आप लोगों के सामने जिक्र भी किया है। मायावती ने कहा कि अगर गरीबी और बेरोजगारी से छुटकारा पाना है तो राज्य में सत्ता बहुजन समाज पार्टी के हाथों में सौंपनी होगी। इस मौके पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मंच पर बुलाकर जनता से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। मंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची मायावती आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की बात कहती हुई नजर आई। साथ ही मायावती ने SC और ST वर्ग में अत्यधिक जातियों को शामिल किए जाने की बात पर भी कड़ा ऐतराज जाहिर किया। मायावती ने कहा कि आज गरीबी और बेरोजगारी से दुखी लोग नक्सलवाद और माओवाद का दामन थाम रहे हैं।
मंडी पहुंची कुमारी मायावती के पास हिमाचल के कम और देश के अधिक मुद्दे थे। मायावती राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक बोलती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी सर्व समाज और खासकर बहुजन समाज के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि आज देश में गरीबी और बेरोजगारी से दुखी युवा नक्सली और माओवादी बन रहे हैं और आज भी इन वर्गों में गरीबी एवं बेरोजगारी हमें बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण ही इन वर्गों में से कुछ गरीब एवं बेरोजगार लोग दुखी होकर मजबूरी में देश के कई राज्यों में नक्सली व माओवादी बन गए या फिर वे अन्य गलत रास्तों पर चल रहे हैं, जिसके लिए हमारी पार्टी पूरे तौर से केंद्र में अधिकतर राज्यों में और आपके राज्य में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार मानकर चलती है। कुमारी मायावती जहां जाति पर आधारित आरक्षण के कोटे को बढ़ाने की मांग करती हुई नजर आई, वहीं उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात को भी कहा। मायावती ने कहा कि आज केंद्र सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत आरक्षण का कोटा बढ़ाए बिना अन्य जातियों को इसमें शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण मुहैया कराने के लिए कई बार केंद्र सरकारों को खत लिखे हैं और इसके लिए हमने केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन दुख की बात यह है केंद्र में चाहे कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार रही हो चाहे बीजेपी के नेतृत्व में सरकार रही हो, लेकिन केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार ने तो अपर कास्ट समाज में से जो गरीब लोग हैं जो बेरोजगार लोग हैं तो उनके बारे में आरक्षण के को लेकर उन्होंने अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मायावती ने कहा कि यूपी में उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान उचित वर्गों को आरक्षण प्रदान करके उनका उत्थान करने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जैसे ही भ्रष्टाचार की बात करती है वैसे ही जनता का ध्यान खुद ब खुद केंद्र सरकार की ओर चला जाता है। यह बात हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी कलराज मिश्र ने मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर कांग्रेसी नेताओं के बयान आना किसी हास्यास्पद घटना से कम नहीं है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी कलराज मिश्र ने कहा कि आज केंद्र की यूपीए सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन फिर भी कांग्रेसी नेता भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जब भ्रष्टाचार की बात करता है तो जनता का ध्यान केंद्र की यूपीए सरकार की तरफ खुद ही चला जाता है। तो भ्रष्टाचार का जो प्रतिमूर्ति है वो कांग्रेस का नेतृत्व, तो किसको जेल में डालेंगे? ये जनता के सामने बड़ी विचित्र प्रकार की हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। और सोनिया जी जब भ्रष्टाचार की बात करती हैं तो लोगों का ध्यान स्वयं केंद्र सरकार की तरफ जाता है। कलराज मिश्र ने कहा कि कोयला घोटाला 5 लाख करोड़ से भी अधिक का है और बावजूद इसके कांग्रेसी नेता भ्रष्टाचार के आरोप दूसरों के सिर मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक हास्यास्पद घटना है। तो उन्होंने कोल माइंस की जो सामान्य मूल्य है उसके ऊपर आंकड़ा लगाकर हमने 1,86,000 करोड़ का लगाया है और वैसे अगर देखा जाए कई जो चीजें उसमें होती हैं उस आधार पर जो मूल्य लगाए जाते हैं जिससे कार्य क्षति पहुंचती है तो लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो जो घोटाला बाज भ्रष्टाचारी मंत्री जो जेल में जाता है, भ्रष्टाचारी सांसद कांग्रेस पार्टी का, ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन कॉमनवेल्थ गेम के समय जेल में जाता है, वो जब बोल रही है भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे तो एक हास्यास्पद स्थिति लगती है। कलराज मिश्र ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार ने एक स्वच्छ शासन और प्रशासन जनता को मुहैया कराया है, जिसके आधार पर भाजपा का मिशन रिपीट पूरा होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। वहीं कलराज मिश्र ने भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार के लिए नुक्कड़ सभाओं की ओर भी रुख किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी भी स्टार प्रचारक के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने पर गदगद नजर आए। भाजपा प्रत्याशियों का मानना है कि नुक्कड़ सभाओं तक स्टार प्रचारक का पहुंचना निश्चित रूप से उन्हें फायदा पहुंचाएगा। जी हां, मौका था सदर से भाजपा प्रत्याशी डीडी ठाकुर द्वारा कहनवाल में आयोजित एक नुक्कड़ सभा का। आपको
मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे स्टार प्रचारक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हिमाचल के प्रभारी हैं, वो हमारी नुक्कड़ सभाओं पे जो एक साधारण लोग जो कॉमन व्यक्ति वहाँ पर आ रहा है उन लोगों पे जो है हमारे चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों पे अवेयरनेस करिए, और इस अवेयरनेस से जो है भारतीय जनता पार्टी का और मुझे इससे चुनावी बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्या लगता है जनता कितना आपके ओर आकर्षित हो रही है? पिछली मरतबा 2007 में हम बहुत कम मार्जिन से मैं हारा हूँ, और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो शानदार काम 5 वर्षों में रहा है उन उपलब्धियों को मद्दे रखते हुए जो है जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बना हुआ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी को मत देकर जो है मुझे सफल बनाएंगे। के न्यूज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिम मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। नाचन की शान दामोदर चौहान। नाचन में चिलपड़ी है दामोदर चौहान की लहर। एक बार फिर दोहराया जाएगा 1993 का इतिहास। जनता विधानसभा भेजेगी निर्दलीय उम्मीदवार को और होगा नाचन का संपूर्ण विकास। बीते 15 वर्षों से नाचन की जनता के दर्द को समझने वाले आजाद उम्मीदवार दामोदर चौहान को भारी मतों से विजयी बनाए। दामोदर चौहान का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर दामोदर चौहान के पक्ष में मतदान करना न भूलें। एक ऐसा नाम जिसकी है अपनी एक अलग पहचान। जी हाँ, आपके अपने लोकप्रिय युवा ईमानदार एवं कर्मठ उम्मीदवार श्यामलाल। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से युवा एवं ईमानदार उम्मीदवार श्यामलाल को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। ऑटो रिक्शा के सामने वाला बटन दबाएं और श्यामलाल को विजयी बनाएं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। स्वागत है आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेज, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फोर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, BIP, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कॉरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स। एक बार विजिट जरूर करें ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94-95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
भाजपा ने केवल कांग्रेस सरकार के कार्यों के ही उद्घाटन करवाए हैं। आज यहां सड़कों की हालत खस्ता और स्कूलों की हालत खराब है, यह कहना है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ब्रिज बिहारी बुटेल का। बुटेल ने कहा कि अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रदेश में जितने भी कार्य रुके हैं उन्हें कांग्रेस सरकार करवाएगी। ब्रिज बिहारी बुटेल पालमपुर में जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों का बखान करते हुए नजर आए। पिछले 5 वर्ष में भाजपा सरकार के प्रत्याशी ने और कुछ भी नहीं किया, और वहाँ पर रास्ते टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, और चौकी की सड़क जाइए आप, वहाँ पर तालाब बने हुए हैं, सड़क पे बच्चे जा नहीं सकते, स्कूली बच्चों के कपड़े खराब हो रहे हैं, और साथ में कोई ऐसा कोई चीज़ यहाँ पालनपुर में उन्होंने नहीं की जिसके लिए वो लोग उसकी सराहना करें। और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में लोग जो है इस वक्त ये सोच रहे हैं कि 4 तारीख की बजाय आज इलेक्शन हो जाए तो ये सरकार जो है ये वापस नहीं आ सकती, और कांग्रेस सरकार आ गया बेशिमेफ, और कांग्रेस ही उनका घोषणा पत्र हमारा है उसमें गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और ख़ासकर युवाओं के लिए ये घोषणा पत्र जो है बड़ा फ़ायदेमंद है, और युवक जो है वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में और सारे हिमाचल में कांग्रेस से जुड़ गए हैं। कांग्रेस ने हमेशा ही युवाओं के साथ छल किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगी। यह कहना है सुलह से भाजपा उम्मीदवार विपिन परमार का। परमार ने कहा कि अब युवा भी इस बात को समझ चुके हैं कि कांग्रेस के राज में महंगाई और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। सुलभ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में एवीवीपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के उम्मीदवार विपिन परमार के समर्थन में नारेबाजी की। इस मौके पर विपिन परमार ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही युवा वर्ग के साथ छल किया है। परमार ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगी, जबकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। जैसे अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें लगभग 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बेरोजगारी भत्ते की बात कर रही है, यानी नौकरी ना दे करके बेरोजगारी भत्ता, और उसके लिए एक ठोस प्रारूप भी तैयार किया गया है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन 5 सालों में जहां पर सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार दिया। परमार ने कहा कि दोबारा भाजपा की सरकार बनने पर सुलभ में कई उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। बागवान किसान योजना के तहत परोक्ष रूप से भी हजारों लोगों को रोजगार देने का प्रावधान किया है। परमार ने कहा कि आज हर वर्ग कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों को समझ चुका है। के न्यूज के लिए सुलह से दीपक राणा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। 4 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, आप जानते हैं 4 नवंबर का दिन आपके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। मैं जानता हूँ हमेशा आप परीक्षा में पास हुए हैं और आपने हमेशा सोच समझ कर जो मतदाताओं ने अपना फैसला दिया है। 4 नवंबर को आप फैसला करेंगे, उस दिन हाथ के सामने का बटन दबाकर आप विकास के लिए आप अपना काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जाति पाति से ऊपर उठकर आप जो है कांग्रेस को वोट डालेंगे, और जो विश्वास आपने लगातार 50 सालों से हम पे किया है उस विश्वास पे हम हमेशा खड़े उतरे हैं, और आगे भी आपको हम विश्वास देते हैं कि इस पे खड़े उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। साधारण व्यक्तित्व, मजबूत इरादा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास का पक्का वादा, 65 वर्ष का इंतजार, अब आएगा संजय कुमार और होगा चमत्कार। बल विधानसभा क्षेत्र के कल्याण हेतु मिशन आत्मसम्मान, मिशन विकास, इतिहास की पुकार है, आजाद प्रत्याशी से बना नेता बरकरार है, अब बल में बड़े विकास की लानी बहार है, और घर घर में गैस सिलेंडर की पुकार है। बल विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि आने वाली 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर संजय कुमार सुरेली को भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार,
मैं हरीश कुमार मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल लोकहित पार्टी का उम्मीदवार हूं। मेरी इस क्षेत्र के सभी आदरणीय मतदाताओं से करवट प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करवाने के लिए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है, अतः सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप वोटिंग मशीन पर केवल टेलीफोन के सामने वाला बटन दबाएं, ताकि हम सब मिलकर अपने क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में सबसे अग्रणी क्षेत्र बना सकें। धन्यवाद। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बैजनाथ की बीड़ बिलिंग घाटी में 7 दिवसीय हिमालयन राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया। चैंपियनशिप का शुभारंभ मंडलायुक्त कांगड़ा मनीष गर्ग ने किया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में 80 देशी व विदेशी पायलट हिस्सा ले रहे हैं। बैजनाथ की बीड़ बिलिंग घाटी में 7 दिवसीय हिमालयन राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया है। चैंपियनशिप का शुभारंभ मंडलायुक्त कांगड़ा मनीष गर्ग ने किया। इस मौके पर मंडलायुक्त ने पैराग्लाइडिंग में भाग लेने वाले देश विदेश एवं स्थानीय पैराग्लाइडरों को बधाई देते हुए कहा कि पैराग्लाइडिंग एक साहसी खेल है तथा पैराग्लाइडिंग के लिए बिलिंग घाटी विश्व में सबसे उपयुक्त स्थल मानी जाती है और यहां देश विदेश से हर वर्ष असंख्य पायलट इस सुरमय घाटी में आकर पैराग्लाइडिंग करते हैं, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और टूरिज्म और एरो क्लब और माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट सभी के पार्टिसिपेशन से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें करीब 80 पायलट्स रजिस्टर हो चुके हैं अभी तक और हमें उम्मीद है कि और भी पायलट्स रजिस्टर होंगे। लगभग 1 वीक का ये इवेंट है और एक इंटरनेशनल रैंकिंग इवेंट है Category 2 का। इस मौके पर खेल विभाग की संयुक्त निदेशक सुमन रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में 80 पायलट भाग ले रहे हैं, जिनमें 31 पायलट रूस, कजाकिस्तान, पोलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, इटली इत्यादि से भाग ले रहे हैं, जबकि 23 भारतीय सेना से तथा स्थानीय पैराग्लाइडर भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इस बार ऑस्ट्रेलिया के नेवल भी भाग ले रहे हैं, जिन्होंने 502 किलोमीटर की पैराग्लाइडिंग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इसमें जो आपको जो स्टैंडर्ड है, जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रैंकिंग Category 2 जो है ये प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, इसमें जो है टॉप रैंकिंग के जो हमारे पायलट्स आते हैं, जिसमें इस साल जो है नेवल जो है जो अभी हाल ही में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है और वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है। गौर है कि बीड़ बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसकी ऊंचाई 2700 मीटर है, जिसमें पैराग्लाइडरों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं तथा 15 बचाव दलों की टीम गठित की गई है। बीड़ बिलिंग घाटी से के न्यूज के लिए कमल गुप्ता की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।